हाय गाइस, इस वक्त हम लोग ऐसे जगह आए हैं जो हम लोग के क्षेत्र का, यहाँ से पानी जब तक खींचता है, मीन्स जब तक इधर पानी जाता है तब तक बाढ़ जो है आने का चांसेस नहीं है। अगर ये डैम बंद हो जाता है, ये जो फाटके हैं, जो गेट हैं, वो सब बंद हो जाता है तो जो बाढ़ है वो 100% श्योर हो जाता है। तो खैर, अभी उतना चांसेस नहीं है बिकॉज अभी पानी मतलब अच्छे से क्रॉस कर रहा, मतलब मैं आपको अभी दिखाने जा रहा हूँ, वही चीज़ मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ये आप लोग देखें, पानी अभी क्रॉस कर रहा, ये जो है हम लोगों का डैम है, अभी आगे बहुत ही बड़ा है लेकिन यहाँ से पानी क्रॉस हो रहा, मतलब मीन्स ये जो है ना, इधर जब तक इधर जाएगा मीन्स अभी पानी जा रहा है, मीन्स बाढ़ आने के चांसेस कम है। लेकिन हाँ, आइए जल्दी जल्दी, मतलब अगर और कुछ दिन और ऐसे चलता रहा तो ये जरूर मतलब बंद हो जाएगा, और ये बंद होगा तो इधर जो है पानी बहुत ज़्यादा ही आ जाएंगे। ये देखो, मछुआरे हैं जो अच्छी तरह से मछली मारने के प्रयास में लगे हुए हैं, और मैं आप लोगों को और भी अच्छे से वीडियो दिखा रहा हूँ। ये पुल भी बहुत जर्जर हो चुका है, कोई इस पर ध्यान देने वाला नहीं, और बहुत मुश्किल से क्रॉस होता है, दिखा सकता हूँ मैं आप लोगों को। ये जर्जर पुल हो चुका है और यहाँ से ये बहुत ही, हाँ, यहाँ से जब तक ये पानी जा रहा तब तक मतलब कोई चांसेस नहीं है। और ये देख सकते हैं, ये हम लोगों का इलाका है, यहाँ से जो भी क्षेत्र पड़ेगा वो सब हम लोगों का एरिया है। और यहाँ से पानी जब क्लोज होगा तो यहाँ पे पानी बहुत, ये साइड में पानी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, और ये साइड में पानी बढ़ने का मतलब बाढ़ आ जाएगा। और इधर मेरे बड़े भाई हैं जो डेली 5-10-15-20-25 मछलियाँ मारते हैं, इसे निकालना मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। मेरे बड़े भाई हैं, बहुत बहुत शौकीन हैं मछली मारने के, बहुत मारते हैं। चलो चलते हैं, चलो वहाँ का जफर भाई और हम आए थे और स्पेशली वीडियो बनाने के लिए आए थे। चलो जफर, आ जाओ, तुम भी आ जाओ। हम तीन लोग आए थे स्पेशली वीडियो बनाने के लिए आए थे, और अच्छे से वीडियो बना के जाएंगे, और मछली फिशिंग कैसे होती है हम आपको वो भी दिखाएंगे, और बेहतरीन तरीके से दिखाएंगे, जो आप लोग देखेंगे तो कहेंगे वाह क्या जबरदस्त आइडिया है फिशिंग करने का। जफर बोलो यार, समथिंग अबाउट, बहुत अच्छा लगा। ओके, चलिए गाइस, फिशिंग करने के बहुत सारे आइडियाज़ होते हैं जो मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लेकिन एक शॉर्ट सा वीडियो बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, अगर आप देख सके तो देख सकते हैं। ये मछुआरे हैं जो मछली मारने की तैयारी में है, और शॉर्ट सा आइडिया बता रहे ये कैसे मारते हैं हमारे इधर, अरे बहुत सारे टिप्स होते हैं मछली मारने के, और मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। देखिए, बहुत सारे मार चुके हैं, और ये इसमें कुछ ना कुछ मछली आई रहेंगी, और वो धीरे से अंदर भी चली जाती है, पता भी नहीं चलता है मछली गई अंदर। देखो गाइस, उतना मछली अभी तक हो चुका है, इन्होंने मेहनत करके इतना मार चुका है। ठीक है ठीक है, थैंक यू। हाँ, अरे बाप रे, इस रियली डेंजरस एरिया, हाँ सॉरी डिफिकल्ट एरिया, मछली फिशिंग हो रही है उसको अच्छे से देख रहे हैं, और यहाँ देख के इसका हाँ मजा है। और ये सर जो है बैठे हुए हैं यहाँ पे निगरानी में है, बाढ़ का पानी कैसे क्या होता है, और कोई अंदर जाए आए ना, कुछ बच्चे लोग वगैरह, मतलब उनको सेफ करने के लिए, मीन्स ये हम लोग के सेफ्टी के लिए है। मछली मारने के बहुत सारे टिप्स हैं, जो एक टिप्स मैं बताया हूँ, और दूसरा जो टिप्स है मैं दिखा रहा हूँ, ये बहुत सारे आइडियाज़ है, और इस तरह से मारा जाता है, और कुछ मछली मारी गई है जो मैं आप लोगों को दिखाऊँगा। दिखा भाई अच्छे से, थोड़ा सा खींचना हल्का सा, मैं जस्ट दिखा रहा हूँ अभी। हाँ, ये देखो ये मेरे बड़े भाई मारे हैं, और डेली 8-10-15-20 ऐसे मारते रहते हैं। ठीक है, आ गई एक मछली, लग चुकी है मेरे ख्याल से, चांसेस है आने का। नहीं, ये आ गई एक मछली आ गई, जो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। बागी का, आजू 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 आजू, आजा भाई, तू भाग गई,
ये है मछली आ गई आ गई आ गई आ गई आ गई। बहुत सारे टिप्स होते हैं मछली मारने के चक्कर, बहुत सारे फिशिंग टिप्स हैं, बहुत सारे। और इत्तेफाक से लक अच्छा रहा कि जो तुरंत मतलब मिल गया, जो मुझे चांसेस था वो मिल गया। दाल बार माना अनजान है मैं तेरे वास्ते, तू मुझको जान हो गले ले चला दे यार। चलो गरमा है ये पूरा सही हाल तला गए। चल 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 आदमी, मेरे दिल की ये दुआ है कभी दूर तुम न जाना। अब हम अपना वीडियो यहीं पे क्लोज कर रहे हैं, फिर मिलेगा वक्त मोर वीडियोस दिखाने के लिए। आपको अच्छा लगे तो लाइक करते रहिएगा, दिखाएंगे और मेरे हौसलों को थोड़ा थोड़ा बुलंद करते जाओ ताकि मैं अगेन इस पे प्रयास करते रहूं, मेहनत करते रहूं, उसका इंक्रीज हो। वैसे भी यूट्यूब से मेरा वीडियो वायरल नहीं होता है, एक आधा वीडियो वायरल हो जाए तो फिर मजा आता है काम करते हुए। मैं यहाँ से अपना वीडियो बंद कर रहा हूँ।